शुरुआत 25 बड़ी खबरों से। शिवसेना यूबीटी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 17 नामों का ऐलान किया। अनिल देसाई को मुंबई साउथ सेंट्रल और अरविंद सावंत को साउथ मुंबई से दिया गया टिकट। सूत्रों के मुताबिक उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट अमोल कीर्तिकर को टिकट दिए जाने से संजय निरुपम नाराज हो गए हैं। इस सीट से चाहते थे टिकट। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। टीएमसी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम ममता बनर्जी, अभिषेक और यूसुफ पठान शामिल। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। कर सकती हैं बड़े खुलासे, कल केजरीवाल से की थी मुलाकात। ईडी की गिरफ्तारी, रिमांड के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कल तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है सीएम। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लीगल सेल का आज प्रदर्शन। दिल्ली में पटियाला हाउस, साकेत, राउज एवेन्यू समेत सभी कोर्ट्स के बाहर विरोध होगा। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आज से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी देंगे जानकारी। मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत 14,000 बूथ पर जाएगी आम आदमी पार्टी। आज विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक में होगी चर्चा। 31 मार्च को महारैली को लेकर भी मंथन। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट और सीसीईए की बैठक। मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी जाटलैंड मेरठ से 30 मार्च को करेंगे चुनावी शंखनाद। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी मंच पर दिखेंगे साथ। अरुण गोविल हैं यहां से बीजेपी उम्मीदवार। आज से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। सीएम योगी करेंगे संबोधित। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। बाकी लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर रहेगा मंथन। कांग्रेस सीईसी में अमेठी रायबरेली पर चर्चा नहीं। शरद पवार ने आज संसदीय बोर्ड की बुलाई अहम बैठक। मुंबई में सुबह 11 बजे एनसीपी शरद गुट की मीटिंग। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। पहले चरण के नामांकन की आज आखिरी तारीख। नामांकन से पहले गडकरी ने की पूजा। पत्नी कंचन गडकरी ने लगाया विजय तिलक। बिहार में सीट शेयरिंग पर आज कांग्रेस और आरजेडी की अलग अलग बैठक। आखिरी फैसले के लिए दोनों दलों में मंथन। 4 सीटों पर पहले ही चरण में 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार। कांग्रेस को 9 सीटें देने को तैयार आरजेडी। कल सीट बंटवारे का पटना में होगा ऐलान। राहुल गांधी की झारखंड की चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी। 6 साल पुराने मानहानि मामले में अदालत में पेश होने का है आदेश। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन एसपी ने मुरादाबाद से बदला उम्मीदवार। एसटी हसन का टिकट कट गया। रुचि वीरा बनी लोकसभा उम्मीदवार। वहीं रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी हो सकते हैं एसपी उम्मीदवार। दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं नदवी। बंगाल, बिहार और एमपी में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दिग्गजों के नाम इसमें शामिल। आलाकमान के नोटिस पर दिलीप घोष का बयान। बोले, मैं लेटर के जरिए नोटिस का दूंगा जवाब। जेपी नड्डा ने मांगी है दिलीप घोष से सफाई। बिहार के आरा बिहिया के बीच होली स्पेशल ट्रेन में आग से अफरा तफरी मच गई। आग पर पाया गया काबू। कई गाड़ियों के बदले गए रूट। बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी समेत 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। हुक्का बार में छापेमारी के दौरान लिया था हिरासत में। मामला दर्ज कर छोड़ा गया। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल से टकराया एक मालवाहक जहाज। ताश के पत्ते की तरह ढहा फ्रांसीसी स्कॉट पुल। जहाज में सवार 22 भारतीय सुरक्षित। पुल गिरने से 6 लोगों के मरने की आशंका।